कान्हा की नगरी मथुरा में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इतिहास में ये पहला मौका है जब कोरोना के चलते भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव सभी जगह मंदिरों में बिना भक्तों के मनाया जाएगा। मंदिरों में सिर्फ पुजारियों की मौजूदगी में सारी परंपराएं पूरी की जाएंगी। जन्मोत्सव का टीवी पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। मथुरा पुलिस प्रशासन ने दूसरे शहरों से आने वाले श्रद्धालुओं को जिले की सीमा में प्रवेश करने पर रोक लगाने के लिए बॉर्डर सील कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें बॉर्डर से ही वापस कर दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते एक स्थान पर 5 लोगों के जमा होने पर भी प्रतिबंध लागू है। पाकिस्तान और चीन के खतरे को देखते हुए मोदी सरकार ने वायुसेना में लड़ाकू विमानों की 11 नई स्क्वाड्रन गठित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। 11 नई स्क्वाड्रन के लिए वायुसेना के करीब 230 फाइटर जेट की जरूरत पड़ेगी। भारतीय वायुसेना के पास अभी लड़ाकू विमानों के 31 स्क्वाड्रन है। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत काफी तेजी के साथ काम कर रहा है। कोरोना वायरस की वैक्सीन के प्रबंधन के लिए बनी विशेषज्ञ टीम की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि भारत में वैक्सीन का परीक्षण दूसरे चरण में पहुंच चुका है। बिहार के सभी निचली अदालतों में आज से वर्चुअल कोर्ट से न्यायिक कार्य की शुरुआत होगी, जिसमें सभी कोर्ट में सभी प्रकार के मुकदमों की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट प्रशासन ने सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 13 जुलाई से बिहार की निचली अदालतों में न्यायिक कार्य पूरी तरह बंद कर दिया गया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। रिया चक्रवर्ती के सुशांत केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट गुरुवार को अपने फैसले में यह तय करेगा कि बिहार में दर्ज FIR को मुंबई को ट्रांसफर किया जाए या नहीं। बाबरी विध्वंस मामले में विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आज तक का समय दिया है। पिछली सुनवाई में कोई भी आरोपी हाजिर नहीं हुए थे। सभी की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया था। मुंबई की जान कहे जाने वाली मुंबई लोकल रेल सेवा को आम आदमियों के लिए फिलहाल अभी चालू नहीं किया जाएगा। रेलवे ने बयान जारी करते हुए कहा कि फिलहाल आने वाले समय में सिर्फ बहुत जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करने की इजाजत होगी। आम लोगों को लोकल ट्रेन में इजाजत नहीं होगी। पंजाब सरकार द्वारा 12वीं के छात्र छात्राओं को फ्री में स्मार्टफोन बांटने की योजना का आज शुभारंभ होगा। राज्य सरकार के अनुसार इससे युवाओं को काफी लाभ मिलेगा। इस स्कीम को चंडीगढ़ और पंजाब में 26 विभिन्न स्थानों से लॉन्च किया जाएगा। ओडिशा बोर्ड की 12वीं क्लास की साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट आज जारी हो सकता है। रिजल्ट दोपहर 12:30 बजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। इस परीक्षा में करीब 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।